इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे कैसे नेता की जिसने कहा है कि चुनाव आयोग को दो दिन के अंदर अगर हमारी सरकार आई तो जेल में डाल देंगे। बहुत ही दिलचस्प बयान है। किस नेता की इतनी हिम्मत हुई, किसने ऐसा कहा और क्या कर सकता है चुनाव आयोग, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहले जान लीजिए किसने ऐसा कहा। ये जनाब हैं प्रकाश अम्बेडकर। प्रकाश अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाती हैं और अपना एक संघ बनाकर बहुजन समाज का इन्होंने एक गठबंधन किया है और ये वंचित बहुजन अगाड़ी उस गठबंधन का एक तरह से नाम है, जिसमें उनका जो संघ है भारत बहुजन महासंघ ने असदुद्दीन ओवैसी की जो AIMIM है और जनता दल एस है महाराष्ट्र में, उसके साथ गठबंधन किया है। ये तीन बार सांसद रहे हैं और अब दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़ रहे हैं, ये सोलापुर और अकोला से। अकोला से पहले सांसद भी रहे हैं और मैं आपको बता दूं, पहले उनका एक बार बयान सुन लीजिए जो उन्होंने यवतमाल में बोला। आणि इलेक्शन कमिशन म्हणतो पुलवामा बद्दल तुम्ही बोलायचं नाही, अरे आम्ही बोलू तुला अधिकार नाही आहे, आम्हाला बोलण्याचा अधिकार संविधानाने दिले। आमची सत्ता येऊ द्या, त्या इलेक्शन कमिशनला दोन दिवस जेलामध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही। का तो न्यूट्रल राहिला नाही, तो अंपायर म्हणून राहिला नाही, तो बीजेपीचा हस्तक म्हणून त्या ठिकाणी उभा राहिला, हे असताना लक्षात। तो इस बयान में बाबा साहब के नाती कह रहे हैं कि कैसे पुलवामा में जो हुआ है उसको लेकर बोलने की चुनाव आयोग ने मनाही की। हालांकि चुनाव आयोग ने सेना और सेना के इस्तेमाल इन सब को लेकर मना किया है, खासतौर पे पुलवामा पे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कैसे चुनाव आयोग मना कर सकता है कि हम पुलवामा पे कुछ ना बोलें, और इसको लेकर उन्होंने ये बयान जारी किया और कहा, चूँकि चुनावी रैली थी उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर आई, हालांकि उनकी सरकार कौन सी आएगी क्योंकि जो उनका गठबंधन है वो महाराष्ट्र तक सीमित है, तो अगर हमारी सरकार आई तो हम चुनाव आयोग को दो दिन के लिए जेल में डाल देंगे। ये उनका बयान है और काफ़ी दिलचस्प बयान है क्योंकि बाबा साहब के नाती हैं। आम जो मुख्य धारा की पार्टी है उनसे गठबंधन इस बार उनका कुछ हो नहीं पाया, किसी पार्टी में वो गए नहीं और ऐसे में एक छोटे इलाके में वो राजनीति करते हैं और इतना बड़ा बयान दे दिया है कि अब चुनाव आयोग माना जा रहा है कि उन्हें नोटिस भेजेगा, उन पर कुछ एक्शन हो सकता है और कुछ एक्शन होता है इस तरह का तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।